राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना है ना उसमें एक बड़ा साइंटिफिक एंगल आया है वो क्या है कि राम नवमी के दिन उनके मस्तक के ऊपर सूर्य तिलक होगा इसके लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है जो प्लानिटरी पोजीशन थी कि अर्थ का जो एंगल होगा सूर्य के साथ उस पर्टिकुलर दिन कैसे होगा तो इसमें तीन इंस्टीट्यूट ने काम किया है दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन उसने लिखा ओनली दी ऑस एंशियंट कैलकुलशन ऑफ हिंदूज मैच मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन

मैं याद दिलाना चाहता हूं श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना है ना उसमें एक बड़ा साइंटिफिक एंगल आया है वो क्या है कि राम नवमी के दिन उनके मस्तक के ऊपर सूर्य तिलक होगा अब इसके लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है जो प्लानिटरी पोजीशन थी कि अर्थ का जो एंगल होगा सूर्य के साथ उस पर्टिकुलर दिन कैसे होगा तो इसमें तीन इंस्टीट्यूट ने काम किया है इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर ने जिसने उस पूरे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन को सटीक ढंग से किया दूसरा है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की जिसने की उसकी व्यवस्था बनाने का काम किया और तीसरी एक प्राइवेट कंपनी है जिसने वो कॉन्वेक्स लेंसेस के थ्रू कैसे वो अंदर आएगा और ठीक उसी बिंदु के ऊपर उस दिन केंद्रित होगा यह व्यवस्था की है मगर मैं अपने विरोधियों को बताना चाहता हूं आज तो एस्ट्रोफिजिक्स का इंस्टीट्यूट है आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है मगर यही तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी था यही तो अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में वेद नारायण मंदिर है उसमें भगवान के चरणों के ऊपर पड़ती है कोलापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है महाराष्ट्र में उसमें तीन दिन के लिए एक मिन अक्सर जाते हैं तो देवी के मस्तक से लेके चरणों तक चले जाते हैं कर्नाटक के संगेरी में जो मंदिर है उसमें बारहों महीनों में अलग अलग सूर्य की गति पड़ती है पूछिए साहब अगर विज्ञान नहीं था तो उस जमाने में इतना सटीक कैलकुलेशन कैसे हुआ जो आज इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स के बाद होने की बात आई है इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसके लिए हमें इस विचार पे धर्म और संस्कृति के साथ इस विज्ञान पर भी गर्व करना चाहिए वैसे मैं एक और बात कहना चाहता हूं इसमें विज्ञान का एक और गहरा आप सबको ध्यान हो कि उसमें चौरासी सेकेंड का मुहूर्त था पर वो शुरू कहां से होता है अगर आपने कभी भी उसको सुना हो लोगों को तो क्या कहते हैं ब्रह्मा आयु द्वितीय द्वितीय ब्रह्म क्या 155 वैसे बिग कहती है कि 14 बिलियन ईयर पहले दुनिया बनी तो मैं बता देना चाहता हूं बहुत सी गैलेक्सीज ऐसी आई है जो 14 बिलियन से आगे की आ रही हैं तो बिकम डिबेटेबल फिर वहां से आते हैं श्वेतवारा कल्प यानी आते हैं फिर आते हैं, हैं कलयुग यानी फाइव थाउजेंड्रेड ट्वेंटी फाइव ईयर फिर आते हैं विक्रम संवत में दो साल फिर आते हैं वर्ष में वर्ष के भाग में उत्तरायण सूर्य में फिर आते हैं महीने में और उसके बाद वार नक्षत्र होते हुए चौरासी सेकंड तक मैं कहना चाहता हूं ये भारत की सनातन यात्रा है जो 155 सौ पचपन ट्रिलियन ईयर से लेकर सटीक कैलकुलेशन चौरासी सेकंड तक का करती है मुझे लगता है दुनिया में कोई धर्म संस्कृति ऐसी नहीं होगी जो इस प्रकार का करने का करने की क्षमता रखती हो वो सिर्फ हमारे यहाँ मगर उसके बाद भी माननीय सभापति महोदय मा मैं कहना चाहूंगा कुछ लोगों को और इस बारे में दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन जिसने फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट वॉइजर जो आ, सोलर सिस्टम के बाहर गया है उसका जो मैसेज है कंपोज किया है उसने लिखा है उसका वीडियो कोई जाके चेक कर सकता है नाउ ओनली दी एंशियंट कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज मैचेस द मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन मगर एक बात मैं यहाँ पे राजनीतिक भी कहना चाहता हूं मानेवर बहुत से लोग कहते थे कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं है मगर मैं कहना चाहूंगा उन सारे लोगों को देख लेना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की है इसका मुहूर्त कैसा था जरा इस पर विचार कर लेना चाहिए क्योंकि वो जहां से चले हैं पहले वो चले आसाम से तो देवड़ा साहब मुंबई में अलग हो गए वो बंगाल की तरफ उठे तो ममता दीदी ने अलग स्टैंड ले लिया उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने अलग स्टैंड ले लिया पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग हो गई बिहार पहुंचे तो गठबंधन ही पलट गया आज वो रांची में है साहब सरकार तो बच गई पर वहां भी मुख्यमंत्री चला गया तो जरा विचार करना चाहिए उन लोगों को कि उन्होंने ये कौन से मुहूर्त में काम शुरू किया है परंतु उसके उपरांत जिस ढंग से इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है तो उसके लिए जो हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा आंख मूंद लेने से यह खतरा न टल जाएगा अब वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा और शिजरा बिखरने को है इस मोहब्बत की दुकान का झूठी तसल्लियों से अब संभाला ना जाएगा और यह भी एक संयोग देखिए कल माननीय खड़गे जी के मुंह से निकल गया था चार सौ पार और शाम को दीदी ने कह दिया कांग्रेस को तो चालीस की दरकार मतलब आप यह सोचिए कि यहां पे विषय आया चार पार। वहां आया पार चालीस की दरकार और गठबंधन में मची हुई है ऐसी कि मारामार्ज प्रभु गठबंधन के अंदर जिस प्रकार की मारामार है तो मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन के लोगों के दिल में तो यह विचार आ रहा होगा आपको मौका आएगा बोलिएगा तो कहा ना चालीस की दरकार इसमें तो कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है कि चालीस भी नहीं मिलेंगी तो महोदय मैं कहना चाहता हूं आज जिस ढंग की गठबंधन में मारामार हो रही है तो मुझे लगता है कि शायद वो गठबंधन के सदस्य लोग कह रहे होंगे कि ये रश के जन्नत मुझे अब रास आती नहीं मैं तो जहन्नुम में ही खुश था है मेरे परवर दिगार